नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुवर शर्मा। खबर आ रही मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। गंजबासोदा में श्री तरण दिगंबर जैन पाठशाला में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की परम प्रभावक पाठशाला प्रेरणता। मुनिश्री 108 निर्णय सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 पद्म सागर जी महाराज की पिछी परिवर्तन समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि और देश के कई नगरों से हजारों श्रद्धालु इस भव्य आयोजन में शामिल हुए। आयोजन का संचालन कटनी से पधारे बाल ब्रह्मचारी संजीव जैन के दिशा निर्देश में किया गया। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट। और तीसरा कमंडल होता है, वो केतली नहीं है, वो मात्र पानी रखने का साधन नहीं है। साधु तो पानी रखते हैं कि हाथ धोने आदि के लिए, किंतु उसके माध्यम से ये भी समाधान मिलता है कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुचारू बनाया जाए। आज देखो देश में आर्थिक मंदी चल रही है। जैन साधु का कमंडल इस बात का प्रतीक है कि आय अधिक होना चाहिए, व्यय कम होना चाहिए। कमंडलों में पानी निकलने का स्थान छोटा होता है और पानी आने का स्थान बड़ा होता है। आज देश में खर्च अधिक हो रहे हैं, आय कम हो रही है, पूरा देश संकट के दौर से गुजर रहा है। इसलिए हमको चाहिए कि साधु संतों से अध्यात्म के साथ में व्यवहार की बातों को भी सीखें।